अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज मैं वसीम प्यारे और आप देख रहे प्यारे मिंजू। तो गाइज आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जो आपको पता है हमारे पास जो रैबिट है ना, जो एक लैला है, उसने दो बच्चे दिए थे, जिनमें से एक को तो बिल्ली ले गई, उसमें से एक बड़ा है और एक हमारे पास है। अभी जो हमारे दूसरे भाई लैला है ना, उसने बच्चा दे दिया है, अभी आपको दिखाता हूँ। वो रहा उसका बच्चा, पता नहीं एक है या दो है, थली नहीं है, लेकिन एक तो है ही, बिल्कुल सामने बैठा हुआ, वो बिल्कुल इनके नीचे बैठा है। अब मैं आहिस्ता से खोलूंगा दरवाज़ा और ट्राई करते हैं कि ये बाहर आते हैं या नहीं। तो गाइस ये ना एक नहीं है, दो हैं, एक वो बैठा है अंदर चला गया है और एक यहाँ बैठा है माँ को फीड कर रहा है। अभी मैं खोलता हूँ दरवाज़ा और ट्राई करते हैं कि ये सभी बाहर आते हैं या नहीं आते। जो लैला है ये तो बाहर आ जाएगी और साथ में मजनू भी आ जाएगा, और जो छोटा चीका है हमारा पहले वाला वो भी बाहर आ जाएगा, और जो छोटा बेबी है वो भी बाहर आ जाएगा। लेकिन जो वो अंदर है ना बंदर था, वो देखें शहरी कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है भाई। अब ये ट्राई करते हैं, देखते हैं बाहर आता है या नहीं आता। आप पीछे आ जाओ, पीछे 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 पीछे, अब वहीं पे ठीक है। तो गाइस हम नाका लगा के यहाँ बैठ चुके हैं कि देखते हैं हमारे रैबिट के बेबी बाहर आते हैं या नहीं आते हैं। वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, आओ यार, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। शहरी जब ये बाहर आए ना, आपने दरवाजा बंद कर देना है, खामोश आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आप यहीं पर रुक जाओ, रुक यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या बात है, हमारी खुशी दुगनी हो गई। हमारे पास एक बेबी था रैबिट का, अब माशाल्लाह से हमारे पास तीन रैबिट के बेबी हो चुके हैं। तीन तो मैंने देख लिए हैं, एक पहले वाला और दो ये भी आए, मैं भी और भी हूँ। खैर इनको भूख थी यार, अभी मैं जाता हूँ इनके लेके आता हूँ चारा। लेकिन वो भाई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम, आ जाओ आ जाओ छोटे, आ जाओ छोटे, आ जाओ आ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ। अरे यार आ जाओ ना, रासन तू खामोश हो जा, रास्ता नहीं मिल रहा है इसको यार। तो गाइस हम ऐसा करते हैं, इसका वेट करते हैं। नहीं आ रहा है, आ रहा है, वो देखिए आ गया, आ गया, आ गया। मैंने तो सोचा था इसका वेट कर लेते हैं, इतने में रासन को भी खोल देते हैं और साथ में जो हमारे दूसरे हैं ना पैरेट, उनको भी फीड दे देते हैं और साथ में पिजन को भी दे देते हैं। लेकिन नहीं, वो शायद बाहर आ रहा है। अच्छा ऐसा करो, रासन को खोल दो, बल्कि नहीं खोलो, ये यहाँ पर आएगी, ये खाएगी या डिस्टर्ब करेगी। अरे आ जाओ बाहर, ये आपका बच्चा है, माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा दिया है आपने, इसे बाहर भी लेके आओ। हाँ अब इसकी मम्मा गई है ना पास, तो शायद इसको देख के बाहर आ जाए। तो गाइस अभी ऐसा करते हैं, जो मरासन मुर्गी है उसको खोल देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से तंग कर रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मरासन के बच्चे बस तीन रह गए हैं, जबकि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे। ये देखो छोटा, अरे चुप, अंदर हैं जनाब हमारी दूसरी लैला के बच्चे, वो अभी बाहर जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तो आजकल बिल्कुल बाहर रिलैक्स फील रिलैक्स होके घूम रहा है। शिरीश है तो गाइस आपको पता है, मैंने रासन को खोल दिया है, अभी मैं खोलता हूँ अपने चिकन को। लेकिन आज चिंटू को भी खबर लेते हैं, उसे भी बाहर निकालते हैं, निकलता है निकलता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो भाई ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारे अंडों में जो कोई बच्चे आए भी हैं या नहीं आए। नहीं अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मे भी आजकल में वो एक अंडा हैच होने वाला है, उससे बच्चे आ जाएं। तो गाइस इधर है चिंटू हमारा, इसको मैं निकालता हूँ बाहर, क्योंकि ये आज ना अंदर ही बैठा जाता है हर वक्त, जब देखो अंदर ही मैं कर रहा होता है। अभी उस्मान भाई आप पीछे जाएं, अभी मैं इसको निकालता हूँ बाहर, और मैंने जो अपना कमरा है ना उसका दरवाजा बंद कर दिया है, क्योंकि ये लालची बड़ा है, ये क्या जाता है अंदर। अभी मैं इसको खोल लूँ। चिंटू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ भाई, चलो भाई चलो चलो चल भाई, चल 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 मजनू चिंटू, अभी ये अंदर जा रहा है और मैंने दरवाजा मान भाई दरवाजा बंद कर दिया, अभी अंदर ही जाएगा, इधर ही घूमेगा। तो ऐसा करते हैं, जो मेरे पिजन है ना इनको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे दाना, लेकिन वो देखे मजनू का काम क्या करे, यहाँ पे भी गड़ा खोद रहा है, ये बहुत शैतान है। मजनू तमीज करो, अम्मी ने मुझे घर से निकाल देना है, ये जो आप हस्ते कर रहे हो ना आजकल, मुझे घर से क्यों निकलवाना आप लोगों ने यार। ये जो हमारे ना छोटे ये रैबिट, इनकी शैतानियाँ जाई जाती है अक्सर।
अभी मैंने अपने सारे कबूतरों को साथ में राशन को लेना है, इनको दाना डाल दिया है, अब आराम से खा लेंगे। दोस्तों साफ सफाई जो मेरी बजरी है ना, इनका मैं चेंज करने वाला हूँ पानी, उसके बाद डालूंगा इनको फीड। इनकी फीड पड़ी है लेकिन फिर भी न्यू डाल देंगे। आओ यहाँ से, ये उड़ भी जाते हैं पर ये तैयार करनी पड़ती है। पहले मैं पानी में फेंक दूंगा। चले जी, ये रहा इनका पानी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे छल्ली भी रखी थी, लेकिन ये मैं नहीं रखी थी, ये रखी थी नहीं भाई ने, और ये सख्त है, ये इनके काबिल नहीं है। यार मैं ये निकाल दूँ, यार ये ना काफ़ी गंदा है, इसको मैं ना थोड़ी सी पानी के अंदर धो के रख देता हूँ, जब ये साफ हो जाएगा ना तब इसके अंदर मैं डालूंगा इनको फिर। ऐसा करते हैं, जो हमारे कॉकटेल हैं इनका पानी भी ख़त्म हो गया है और साथ में फीड भी, इनको मैं डाल देता हूँ। आज इनको मैंने चेरी भी खिलाई थी, सुबह मैं लेके आया था चेरी और वो भी मैंने इनको खिलाई थी। माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं चेरी। अभी इनकी तो पड़ी भी है, ये कॉकटेल है ना, इनकी चेरी कुछ पड़ी भी है। चलो हाँ, मुझे पता है आप उड़ने के लिए रेडी हो, लेकिन आप आपको मैं उड़ने नहीं दूंगा। इनकी फीड बिल्कुल ख़त्म है और ये देखें इनकी चेरी, ये देखें अभी तक इन्होंने खाई नहीं है, लेकिन मेरा हाथ था इनको चेरी देना, लेकिन यहाँ ना खाएंगे, इनकी अपनी मर्जी। इस केंद्र पर डालता हूँ इनके लिए दाना। चलिए ये रहा मेरे कॉकटेल का दाना, जो ये वाला है ना, ये उड़ने के लिए बड़ा रेडी है, लेकिन अब आपको उड़ नहीं दूंगा मैं। ये लो, ये आपकी चेरी है, ये खानी है चेरी आपने, खाओगे? खा लो यार, मेरे हाथ से भी कभी कुछ खा लिया करो। नहीं खाने वाले, ये नहीं खाने वाले। खैर ये मैंने कहाँ फेंक दी, यहाँ पर रख देते हैं, जब इनका दिल करेगा ये खा लेंगे। तो गाइज आपको पता है ना, जो हमारे खुमरे हैं उन्होंने अंडा दे रखा था, माशा से एक अंडा दिया था। अभी फिर चेक करते हैं क्या उनसे कोई अंडा रिकॉर्ड आया है या नहीं आया, या एक ही पे बैठे हैं। लेकिन यार ना, ये खुमरा भी बैठा होता है और साथ उसकी मादी है वो बैठी होती है अंडा पे। या कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो। या कि चल बैठ जा, नीचे बैठ, बैठ जा नीचे, बैठ जा, चल बैठ, चल बस यहीं बैठना, नहीं यहाँ पे बैठ जा, बात करी। तो गाय जिनकी फीड बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अभी मैं इनके लिए फीड भी चेंज करता हूँ इनकी, और साथ में इनका पानी भी जो है वो भी फ्रेश डाल देता हूँ इनको पानी भी, क्योंकि आजकल ये ना बच्चे देने वाले हैं तो इनकी पूरी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। माशाल्लाह से जो हमारे खुमरे हैं, हालांकि हमारे पास तो आपको पता है पूरा पेयर था पहले, लेकिन बेचारा एक खुमरा मर गया। अब एक और लेके आए हैं, उसकी मदद से हमारे यहाँ एक अंडा आया है, और इंशाल्लाह एक अंडा ही है, और भी है, एक ही है। चले एक ही से बच्चा आया तो वो भी बड़ा बड़ी गनीमत है। तो कल ये रहा इनका दाना और ये रहा इनका पानी, दाना पानी दोनों एक साथ। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका दाना। आपकी सिक्की गिर गई है ज्यादा, वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चले, और जो हमारा जानू है ना, आजकल ये एप्पल बड़े शौक से खा रहा है, इसके एप्पल, इसके यहाँ एप्पल भी पड़ा होता है, साथ में ये छल्ली भी पड़ी होती है, वहाँ रख देते हैं। और साथ में ये जो हमारी जेबरा चिक्का है, इसको भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ रखते हैं ना। ये जो हमारे पिजन है ना, इनके साथ बड़ी मस्ती करता है, जब ये आप इधर फिर रहे होते हैं तो फिर ये बड़े रिलैक्स होते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने कह लिया नहीं भाई, चारा ला चुके हैं, तो अभी हम डालते हैं अपने लैला और मजनू को यहाँ पे चारा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये लो, आ जाओ खाना। नहीं भाई, ये खुश्क लेके आ गए आप लोग, यही इस्तेमाल करो। चले आ जाओ, ये लो खा लो। चले जी, अभी हमारा रहता था हमारे बजरी का दाना, तो वो अभी मैं वो कहाँ कटोरी दाने वाली, वो अंदर रख दी उनके केज में, रख दी है। चले उसमें डाला दाना, नहीं डाला तो फिर ऐसे रख दी है। चले उसके अंदर अभी हम डालते हैं दाना, शेर ने तो ऐसे ही रख दी है। तो फिलहाल ये काफ़ी है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनको और डाल देंगे।
चले जी। तो गाइस इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं खत्म। आई होप कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ आपको एक और खुशखबरी देता चाहूँ। जो तुराब और तुराब भाई लोग हैं ना, उन्होंने जो मुकाव पहले लेके आए थे उसके साथ उन्होंने फीमेल भी ला चुके हैं। तो भाई आपको मुबारक हो, आपकी फीमेल भी आ गई, उसका पार्टनर भी आ गया। वस्सलाम।